स्विफ्ट को हो गए हैं लगभग 3 साल और मारुति ने दे दिया है स्विफ्ट को एक छोटा सा अपडेट। चलिए जानते हैं उसी अपडेटेड वर्जन की कुछ कमियां। अगर सबसे पहली कमी की बात करें तो अपडेट वर्जन में कुछ खास बदलाव नहीं किए गए हैं, सिर्फ एक फ्रंट ग्रिल में क्रोम स्ट्रिप डाली गई। इसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर कोई भी नहीं, अगर फीचर है तो वो भी टॉप एंड वेरियंट में है, ZXi प्लस वेरियंट में, और उस वेरियंट के लिए आपको 10 लाख खर्च करने पड़ते हैं। और उसी 10 लाख की से एक दूसरी बड़ी आती है कमी, सेफ्टी। अगर आप किसी कार के लिए 10 लाख खर्च कर सकते हैं तो उसमें भी टॉप एंड वेरिएंट में भी कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स नहीं है। यूरो एनकैप ने 5 में से 2 स्टार दिए हैं इंडियन स्विफ्ट वेरिएंट को, यानी आपको टॉप एंड वेरिएंट में भी सेफ्टी में कुछ खास फीचर नहीं मिलते हैं। इसकी तीसरी सबसे बड़ी मुझे कमी लगी इसका प्लास्टिक क्वालिटी, यानी इंटीरियर में जो प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ किए गए हैं हर जगह हार्ड प्लास्टिक है, और प्लास्टिक क्वालिटी भी इसकी कुछ खास नहीं है। इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी की फिट एंड फिनिश इतनी अच्छी नहीं है। अगर इसकी कंपटीशन में बात करें ग्रैंड न्यूज़ की तो इससे अच्छी उसकी प्लास्टिक क्वालिटी है। और चौथी इसकी सबसे बड़ी कमी लगी मुझे, इसमें कोई डीजल ऑप्शन नहीं आता है, यानी आपको सिर्फ पेट्रोल ही मिलता है। BS6 नॉर्म आने के कारण अब इसमें डीजल इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। लेकिन इन सभी कमियों के बावजूद भी स्विफ्ट एक प्रॉपर फैमिली हैचबैक का खिताब हमेशा जीतती आई है और इंडिया की सबसे हाईएस्ट सेलिंग कारों में से एक है।